दिस इज 23x26 का हाउस प्लान। अभी जो प्लान आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर है 3D प्लान। ओके, इस प्लान में हम क्या दिखाएंगे, देखिए आपके साथ क्या शेयर करेंगे हम। तो इसका जो 3D में जो पार्ट है यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे जो है 9 फीट हाइट तक, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड में इसका हमने देखिए स्टेयर रखा है। तो 2D में हम दिखाएंगे, 3D भी दिखाएंगे। चलिए इसका हम पहले जो इसका डोर का जो पोजीशन है 7 फीट और 3 फीट हम यहीं पर सेट करते हैं। उसके बाद देखिए 7 फीट एंड 3 फीट, ओके। तो इसे कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ इधर से इधर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर भी एक डोर आएगा जो आएगा 7 फीट एंड 3 फीट का, ओके। तो ये भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इधर भी एक आएगा, ओके, इधर 7 फीट एंड 3 फीट, जो डोर 7 फीट हाइट 3 फीट वाइड, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर जो फ्रंट से आने के बाद यहाँ पर एक डोर आएगा जो आएगा इधर 7 फीट एंड 2 फीट 6 इंच। तो इसको भी हम इधर ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे इधर, तो इधर जो पोजीशन है इधर से हमें आएगा, तो इधर भी हम रखेंगे कितना, देखिए इधर आएगा हमारा इधर तक आएगा 7 फीट एंड 3 फीट इधर भी आएगा। तो इधर थोड़ा सा हाइट शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेयर इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम स्टेयर का पोजीशन यहाँ पर सेट करते हैं। उसके बाद आपके बाद आपके साथ डोर विंडो भी सेट करेंगे। चलिए इसका जो विंडो का पार्ट आएगा इधर, तो हम यहाँ पर जो विंडो आएगा 2 फीट 6 इंच, यहाँ पर 4 फीट 6 इंच, यहाँ पर 2 फीट 6 इंच, यहाँ पर 4 फीट 6 इंच, यहाँ पर 2 फीट 6 इंच, यहाँ पर 4 फीट 6 इंच, है ना। तो यहाँ पर भी हम ऐसे रखेंगे 2 फीट 6 इंच, यहाँ पर 4 फीट 6 इंच। नेक्स्ट हम यहाँ पर विंडो रखेंगे, इसका भी यहाँ पर विंडो यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर विंडो, ओके। तो यहाँ पर विंडो, ओके। तो यहाँ पर आएगा आपका विंडो का पोजीशन, यहाँ पर आएगा जो वेंटिलेशन है यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे। वेंटिलेशन कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर स्टेयर का पोजीशन सेट करेंगे, ठीक है। स्टेयर का पोजीशन सेट करने से आपको क्या होगा, अच्छा सा एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ पर स्टेयर पोजीशन रहेगा और कहाँ पर आपका डोर, यहाँ पर डोर विंडो सब कुछ देखिए फॉन्ट्स इस टाइप का दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर स्टेयर का पोजीशन ऐड करते तो अब उसके बाद आपको अच्छा सा एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसके बाद देखिए स्टेयर जो है 3 फीट के स्टेयर इधर हम रखेंगे। उसके बाद इधर और एक हम यहाँ पर और एक 6 इंच यहाँ पर रखेंगे, बाकी इधर से आएगा ऊपर, ठीक है। चलिए उसको भी हम ऐड कर देते हैं इधर, देखिए। तो यहाँ पर जो स्टेयर का देखिए इस टाइप के स्टेयर इधर हम प्रोवाइड किया है। तो स्टेयर का भी हम कुछ यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पर स्टेयर का जो कलरिंग हम चेंज कर देंगे यहाँ पर, तो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा स्टेयर, ठीक है। तो स्टेयर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो प्लानिंग है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा हम इसका डोर विंडो का पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए उसको चेंज करके उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। फॉन्ट्स पोजीशन से देखिए किस टाइप का दिखाई देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ पर देखिए 3D में इस टाइप का दिखाई देगा, टॉप से आपको इस टाइप का दिखाई देगा। तो इसका जो देखिए यहाँ पर प्लान है, इसमें यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर किचन, यहाँ पर किचन, यहाँ पर टॉयलेट। तो चलिए इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम अगर लिख के देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बेडरूम, ओके। यहाँ पर भी बेडरूम, ओके। यहाँ पर टॉयलेट या बाथ, यहाँ पर study स्टडी रूम, यहाँ पर आपका किचन, ओके। और यहाँ पर आएगा आपका डाइनिंग और
टॉय स्मॉल साइज का, क्योंकि यहाँ पर जगह छोटा है इसलिए थ्री बेडरूम है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए जो मेजरमेंट है, यहाँ पर 10 बाई 11, 10 इधर 11 इधर, यहाँ पर आपका 10 फीट 9 इंच या 10 फीट, यहाँ पर 5 फीट 4 इंच, यहाँ पर 7 फीट, यहाँ पर 7 फीट 7 इंच, यहाँ पर आपका 8 फीट 9 इंच, यहाँ पर स्टडी रूम 9 फीट बाई 8 फीट 6 इंच, यहाँ पर 5 फीट 10 इंच का एक पैसेज, ओके। यहाँ पर किचन 7 फीट बाई 6 फीट, यहाँ पर स्टेयर देखिए इधर से स्टार्ट होके इधर जाएगा। तो इस जो स्टेयर है इसका डिटेल्स हमने यहाँ पर दिखाया है, इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना है देखिए, देखिए यहाँ पर 8 लाख का आपका यहाँ पर जो आएगा, देखिए यहाँ पर इतना स्क्वायर फीट है 30 20 बाई 30। तो इधर जो है 5 इंच का वॉल, इधर पर हमने क्या करेंगे इसका, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने ऐसे कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम आप यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर इधर। तो उसके बाद आपका अगर एक्स्ट्रा कोई कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो स्टेयर का पोजीशन है इसलिए, तो इस टाइप का प्लान आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट हम इसके बाद देखिए इसका जो टोटल स्क्वायर फीट ये पर दिखाया है, उसके बाद इधर जो है देखिए इस टाइप का दिखा देगा। तो उसके बाद इसका जो टॉप का जो एलिवेशन किस टाइप का दिखाई देगा वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा फॉन्ट में आ जाएगा, तो फॉन्ट एलिवेशन में इस टाइप का इधर साइड में। तो देखिए उसके साथ आपको जैसे आपने दिखाई दिया है ऐसे ही इधर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसका, देखिए डिटेलिंग पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो मेजरमेंट है ये इस टाइप का मेजरमेंट मैंने यहाँ पर भी सेट कर दिया, ठीक है, सेम मेजरमेंट का सेम यहाँ पर रहेगा। ये देखिए इधर इधर भी देखिए सेम रहेगा, इधर देखिए सेम रहेगा, ठीक है, और इधर भी देखिए इधर, ओके। तो ऐसे आप इधर से जो पार्ट है इधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाया है। तो आपको अगर कुछ भी देखिए यहाँ पर 26 फीट, तो क्योंकि उसके साथ मिलना चाहिए आपको 23 फीट, ओके, फॉन्ट से इस टाइप का दिखाई देगा। तो इसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, क्योंकि डिलीट करने से तो आपको टॉप से इस टाइप का दिखाई देगा। तो आप देखिए 2D और 3D एक साथ आपको मिल गया है यहाँ पर, क्योंकि 2D या 3D में आपको जो कितना फर्क आया नहीं है, सिर्फ फॉन्ट में हमने जो पार्ट किया है यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है इसको, ठीक है। चलिए इसका हमने कुछ यहाँ पर कुछ डिटेलिंग करते। तो देखिए यहाँ पर हमने बेड का भी पोजीशन रखा है, यहाँ पर देखिए बेड सेट कर दिया है, जो बेड यहाँ पर है। तो इसका डोर के वाइज हमने यहाँ पर बेड भी सेट कर दिया है। तो इसके बाद आपका 3D और 2D में कोई फर्क नहीं मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो ऐसे फर्नीचर आप लेआउट ज़्यादा कर सकते हैं, डोर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको देखिए टॉप से फ्रंट से आइसोमेट्रिक व्यू और इसका साइड से पीछे साइड से रियर साइड से इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, और प्लान भी इस टाइप का मिलेगा। तो आप प्लान को धीरे से देखिए। तो आपको प्लान और 3D अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और आपको कुछ भी चेंज और ऐड करना तो आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हमारा जो प्लान है यहाँ पर एंड करते हैं आज।